नेम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। माय नेम इज़ राबिया आबिद। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट गौहर स्किल अप सीरीज, सब्जेक्ट साइंस, क्लास 4, यूनिट नंबर 1, करेक्टरिस्टिक्स एंड लाइफ प्रोसेसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हम हमारी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सर्कल द लेटर ऑफ द बेस्ट आंसर। सबसे पहले हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है विच वन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, इनमें से कौन सी नॉन लिविंग थिंग है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, मूविंग कार। मूविंग कार इज अ नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट हमारे पास है विच थिंग कैन नॉट सेंस द चेंजेस अराउंड इट, कौन सी चीज़ है जो अपने इर्द गिर्द चेंजेस को सेंस नहीं कर सकती। इसमें है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बी वाला ऑप्शन, लाइट बल्ब। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स थर्ड है अ लिविंग थिंग दैट मेक्स इट ऑन फूड, तो इसका हमारे पास डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, वो है एप्पल प्लांट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ वाला एमसीक्यू है कि अ लायन ईट, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, मीट ऑफ अदर एनिमल्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट वन है प्लांट्स यूज डैश गैस टू ब्रीथ, कौन सी ऐसी गैस है जो कि प्लांट यूज करते हैं सांस लेने के लिए, तो वो है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास बी वाला ऑप्शन, यानी कि ऑक्सीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एमसीक्यूज। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या है, तो इसका आंसर है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एवरीथिंग दैट हैज लाइफ इज कॉल्ड अ लिविंग थिंग। ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाई डू लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी, किस जानदारों को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत क्यों होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर हमारे पास है लिविंग थिंग नीड एनर्जी टू ग्रो, लिव एंड बी हेल्दी, के हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए तमाम जानदारों को एनर्जी की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है वेयर डज प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम। डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं। प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम द लाइट, दे यूज सन लाइट टू मेक देयर फूड, दिस फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि डियर स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं अपना खाना बनाते हैं सनलाइट और वाटर की हेल्प से, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है हाउ इज सनलाइट असेंशियल फॉर प्लांट्स, कि किस तरह से सनलाइट जो है असेंशियल है प्लांट्स के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है प्लांट नीड लाइट टू मेक फूड दैट दे नीड टू ग्रो, कि उन्हें ग्रो करने के लिए सनलाइट की और लाइट की जरूरत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद हम डिटेल क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट आर द सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग थिंग्स की करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, इसमें राइट करेंगे। उसके बाद है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई इज द फूड ऑफ एनिमल डिफरेंट, कि फूड ऑफ एनिमल जो है वो डिफरेंट किस तरह से है। लास्ट में हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डू प्लांट नीड टू ग्रो, के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड फॉल्स फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मीन्स कि हमने ट्रू और फॉल्स लगाने हैं। सबसे पहले है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट, सम नॉन लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ऑन, कि कौन सी ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये चंद नॉन लिविंग थिंग्स ऐसी भी हैं जो खुद मूव कर सकती हैं, तो ये फॉल्स है, ये रॉन्ग है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स डियर स्टूडेंट्स ऐसी नहीं है जो खुद से मूव कर सके। डियर स्टूडेंट्स मेरे पास नेक्स्ट है ऑल लिविंग थिंग्स हैव अ फिक्स्ड लाइफ स्पैन, करेक्ट, इसका आंसर हमारे पास है ट्रू, क्योंकि हर लिविंग थिंग्स का हमारे पास अलग अलग लाइफ स्पैन है जो कि फिक्स्ड है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स गिव बर्थ टू देयर बेबीज बाय लेइंग एग्स, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो डाई नहीं करती, क्योंकि वो लिव ही नहीं करती, जब वो जिंदा ही नहीं रहती तो वो मर कैसे सकती हैं, तो इसीलिए ये भी हमारे पास ट्रू है। उसके बाद लास्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल नॉन लिविंग थिंग्स नीड फूड वाटर एयर एंड सनलाइट, तो इसका हमारे पास आएगा फॉल्स, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स को ना ही वाटर की ज़रूरत होती है, ना सनलाइट की, और ना ही
एयर की। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज के इस वीडियो लेक्चर की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आपने इस वीडियो लेक्चर को एक से मजीद बार भी देखना है ताकि आपको तमाम क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आ जाए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।